नमस्कार साथियों, तो स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन स्टडी चैनल पवार स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, हमने इंडियन आर्मी अग्निवीर परीक्षा के लिए जीके की अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज शुरू की थी, जिसका पार्ट फर्स्ट हमने पढ़ लिया था। आज हम पार्ट टू पढ़ेंगे, तो वीडियो को आप जरा भी स्किप ना करें, क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो आपका उत्तर होगा भगत सिंह ने। ठीक है, तो आपको 25 प्रश्न दिए जाएंगे, इसमें से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वो हमें कमेंट बॉक्स से जरूर कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, तो अगला देखते हैं। अगला सवाल है, ओणम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपका उत्तर होगा केरल राज्य में। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान अमेरिका के किस शहर पर परमाणु बम गिराया गया था? तो आपका उत्तर होगा ए व बी दोनों, हिरोशिमा और नागासाकी पर। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, प्रथम विश्वयुद्ध में अमेरिका किस वर्ष शामिल हुआ? तो आपका उत्तर होगा वर्ष 1915 को। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के पश्चात हुआ? तो आपको याद रखना है प्रसा और फ्रांस युद्ध के पश्चात। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस क्रांति में स्वतंत्रता, बंधुत्व तथा समानता का नारा दिया गया? तो आपको याद रखना है फ्रांस की क्रांति। ठीक है, फ्रांस की क्रांति में स्वतंत्रता, बंधुत्व तथा समानता का नारा दिया गया। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, विश्व में आर्थिक महामंदी की घटना कब उत्पन्न हुई? तो आपको याद रखना है यह हुई थी वर्ष 1929-30 में। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सैयद वंश के शासक थे? तो आपको याद रखना है वह है खिज खां थे, जो सैयद वंश के शासक थे। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, हरेक वंश का संस्थापक कौन था? तो आपको याद रखना है बिंबिसार। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, पाटलिपुत्र के स्थापना किस शासक ने की थी? तो आपका उत्तर होगा उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सिकंदर का समकालीन था? तो आपका उत्तर होगा घनानंद था, जो सिकंदर का समकालीन था। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, इक्का प्रणाली पहली बार कब लागू की गई या किसके द्वारा लागू की गई? तो आपको याद रखना है वह है इल्तुतमिश द्वारा। ठीक है, इल्तुतमिश द्वारा इक्का प्रणाली पहली बार लागू की गई। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, अशोक ने किस बौद्ध संत से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? तो आपको याद रखना है वह था उपगुप्त। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से किस शासक ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे? तो आपका उत्तर होगा हिंदेवन। ठीक है, हिंदेवन ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, कनिष्क ने किस वर्ष शक संवत की शुरुआत की थी? तो आपका उत्तर होगा 78 ईस्वी में। ठीक है, किस वर्ष 78 ईस्वी में। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो आपका उत्तर होगा 712 ईस्वी में। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला सवाल है, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो आपको याद रखना है बहलो लोदी था, जो लोदी वंश का संस्थापक था। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, मौर्य वंश के बाद किस शासक वंश का उदय हुआ? तो आपको याद रखना है वह था शुंग वंश का उदय हुआ। किसके बाद? मौर्य वंश के बाद। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, प्रसिद्ध फारसी पर्व नौराज किसने प्रारंभ किया था? तो आपको याद रखना है बलबन ने प्रारंभ किया था। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, खानवा का युद्ध में बाबर ने किसके साथ लड़ा था? तो आपको याद रखना है राणा सांगा के साथ लड़ा था। ठीक है, कब? 1527 ईस्वी में। कौन सा युद्ध? खानवा का युद्ध।
अगला देखते हैं। अगला सवाल है, ईरान के सम्राट नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया था? तो आपका उत्तर होगा 1739 ईस्वी में। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला सवाल है, किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है? तो आपका उत्तर होगा औरंगजेब को। औरंगजेब को क्या कहा जाता है? जिंदा पीर। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो आपका उत्तर होगा 1526 ईस्वी में हुआ था। किसका युद्ध? पानीपत का प्रथम युद्ध। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया? तो आपका उत्तर होगा 1540 ईस्वी में। ठीक है, 1540 ईस्वी में कन्नौज का युद्ध लड़ा गया था। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, पानीपत का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया? तो आपका उत्तर होगा 1556 ईस्वी में। 1556 ईस्वी में पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया था। तो दोस्तों, आपने 25 में से कितने प्रश्न सही किए हैं वो हमें जल्दी से जल्दी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो या आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल साबित हुआ हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।